सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पचहत्तरवां स्वतंत्र दिवस जिसका मुख्य समारोह पलामू जिले के डाल्टनगंज स्थित पुलिस स्टेडियम में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस ध्वजारोहण का कितने लोग गवाह बनने जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। हालांकि जिला प्रशासन ने बच्चों और कोरोना गाइडलाइन को पालन करने के लिए लोगों को एहतियात के तौर पर कह दिया था, बावजूद स्वतंत्रता दिवस की जो धूम है या कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस की जो उम्मीद रहती है लोगों को, एक चहेते रहते हैं कि भाई स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की है, उसके लेकर के लोग एक उत्साह रहता है। आप देख सकते हैं कि परेड के सलामी के लिए पलामू के परमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी, साथ में उनके पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा और पीछे सार्जेंट, ये परेड को सलामी देने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं और पूरे ग्राउंड में घूमकर पहले निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के पश्चात सभी कोई जितने जो यहाँ पर परेड में शामिल हुए वो लोग सलामी देंगे। सलामी होने के बाद ये ध्वजारोहण करेंगे। आपको बता दें कि आज ध्वजारोहण को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ है। आप देखिए कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है अपने इस 75वां स्वतंत्रता दिवस को मनाने को लेकर। एक लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और ये कह सकते हैं कि यह भीड़ इस बात का गवाह है कि लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। भले कोरोना महामारी का लोगों में डर हो, प्रशासन ने भी एहतियात बरता है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। आप अभी जैसे परेड का निरीक्षण करने के बाद वो झंडों को सलामी देंगे और झंडे को ध्वजारोहण करेंगे और झंडे को सलामी देंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय जो गीत बजेगा उससे पूरा वातावरण जो है देशभक्ति की सराबोर हो जाएगा। और अब झंडोत्तोलन की ओर बढ़ते कदम है। आप देख सकते हैं कि निरीक्षण परेड का निरीक्षण का कार्य जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और हमारे जो जिले के जो आयुक्त हैं, परमंडलीय आयुक्त हैं और पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा, वे अपने जो है गाड़ी पर सवार लोगों को परेड में जो शामिल हुए उनको जो है निरीक्षण करने के पश्चात अब वो धीरे धीरे उनका कदम मंच की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता जा रहा है और लोगों की टकटकी निगाहें उस वक्त पर लगी हुई है जब ध्वजारोहण होगा। पलामू जिले में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। आपको बता दें कि 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मुख्य समारोह डाल्टनगंज के पुलिस लाइन के मैदान में संपन्न हुआ। पुलिस लाइन के मैदान में परमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। इससे पहले आयुक्त श्री चौधरी ने पूरे ग्राउंड में परेड में शामिल पुलिस के जवानों, स्कूली बच्चों का निरीक्षण किया, तत्पश्चात ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण को देखने के लिए लोगों की भीड़ पुलिस लाइन के मैदान में उमड़ पड़ी थी। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही कोरोना का हवाला देते हुए बच्चों को मैदान में आने के लिए मना किया था। इस दौरान लोग मास्क लगाए दिखे व सामाजिक दूरी का पालन भी करते दिखे, लेकिन पूरा पुलिस लाइन लोगों से भरी पड़ी थी। ध्वजारोहण के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा समेत जिले के कई आला अधिकारी मौजूद थे। ध्वजारोहण होते ही राष्ट्रीय गीत से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। वहीं बम पटाखों की गूंज से पूरा वातावरण खुशनुमा हो गया। इस दौरान भारत माता की जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान होता रहा। ध्वजारोहण के पश्चात आयुक्त श्री चौधरी ने लोगों को संबोधित करते हुए जिले में चल रहे विकास कार्य व भविष्य में होने वाले कार्यों को विस्तार से बतलाया। साथ ही कार्यक्रम के अंत में स्वतंत्रता सेनानी तीन महिलाओं को शॉल व बुके देकर आयुक्त श्री चौधरी, उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने सम्मानित किया। तत्पश्चात अच्छे कार्यों के लिए कई पुलिस पदाधिकारी सम्मानित हुए तो परेड में शामिल कई प्लाटून कमांडर व स्कूलों को भी सम्मानित किया गया। यही नहीं, कोरोना काल दौरान अच्छे कार्यों के लिए कई स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। गुलामी की बेरियां कटी हैं। आज हम अपने राष्ट्र नायकों को श्रद्धा पूरी नमन करते हैं। उन्होंने आजाद भारत के भविष्य का जो सपना देखा था उसे पूरा करने में हरेक नागरिक की सक्रिय साझेदारी ही आजादी के उन दीवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार में पलामू प्रमंडल ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया।
पलामू प्रमंडल के सभी सम्मानित व्यक्तियों, जन प्रतिनिधिगणों एवं बुद्धिजीवियों की सक्रियता से कोविड की पहली लहर एवं दूसरी लहर को रोकने में हम कामयाब हुए हैं। सभी के सहयोग से प्रशासनिक टीम अपनी जी जान लगाकर उपलब्ध सीमित स्वास्थ्य संसाधनों एवं व्यवस्थाओं के बीच कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को रोकने का काम किया है और इससे निपटने में सफलता अर्जित की है। इस महामारी ने कुछ लोगों को हम लोगों के बीच से असमय छीन भी लिया, जिसका हमें अपार दुख है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में कई डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों को भी जान गंवाना पड़ा है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमने धैर्य और एहतियात बरतते हुए कोविड का सामना किया। दूसरी लहर में हम सबों को ऑक्सीजन की जरूरतों को गंभीरता से एहसास दिलाया। ऑक्सीजन की व्यवस्था करना हम लोगों के लिए काफी चुनौती थी। प्रशासनिक तंत्र द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सख्ती से पालन कराया गया। इस कार्य में सरकारी पदाधिकारी कर्मी, ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मी, डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेवी संस्थानों के द्वारा जी तोड़ मेहनत की गई, जिसका फायदा प्रमंडल वासियों को मिला। प्रशासनिक शक्ति एवं आम जनमानस के सहयोग का ही परिणाम है कि आज पलामू प्रमंडल कुछ एक संक्रमितों के साथ कोविड मुक्त प्रमंडल की श्रेणी में खड़ा है। ऐसे तमाम कोरोना वॉरियर्स निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। हालांकि अभी खतरा टला नहीं, इसके प्रति हम सबों को सजग और सावधान रहते हुए एहतियात बरतने की जरूरत है। हम सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजर या साबुन पानी से हाथों की सफाई करते रहें। सावधानी एवं एहतियात ही हम सबों को संक्रमण के प्रभाव से बचाएगा। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है। पूर्व में कोविड-19 के मरीजों का समुचित देखभाल, स्वसमय उपचार करने में पलामू प्रमंडल अग्रिम पंक्ति पे रहा है। कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए हमारी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। कोविड टीकाकरण स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र के लिए आवश्यक है। प्रमंडल क्षेत्र के तीनों जिलों पलामू, गरवा और लातेहार में कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर करीब 10 लाख व्यक्तियों को प्रथम एवं करीब 2 लाख व्यक्तियों को दूसरे डोज का टीका दिया जा चुका है। टीकाकरण का कार्य लगातार जारी है। लोगों से अपील है कि वो अवश्य टीका लगवाएं और इस संबंध में किसी भी भ्रांति से दूर रहें। कोविड से निपटने हेतु जिला अस्पताल पलामू, हुसैनाबाद, सदर अस्पताल लातेहार, महुआडार, नेतरहाट, बरवाडी, बारीखाप, रमना एवं DCH सेंटर्स में अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड बनाए गया। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट, एम्बुलेंस, मशीन, उपकरण भी अधिस्थापित किए गए हैं। तीसरी लहर से निपटने हेतु तीनों जिलों के अस्पतालों में चाइल्ड फ्रेंडली वार्ड और बेड अधिस्थापित किया गया है। इस प्रमंडल में स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ करने हेतु NMCH के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि लोगों को आने वाले भविष्य में बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। शिक्षा, कोविड वैश्विक महामारी से लड़ते हुए भी हमने विकास कार्यों को गति प्रदान का प्रयास किया है। शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कोविड के चलते सबसे अधिक प्रभावित हुआ। कोरोना संकट की स्थिति में भी सरकारी विद्यालयों में कतिपय शिक्षकों ने गैर पारंपरिक तरीकों से विद्यार्थियों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 10वीं एवं 12वीं की जैक, CBSE, ICSE की परीक्षा में शामिल पलामू प्रमंडल के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे सभी मेहनती होनहार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में पलामू प्रमंडल के 10 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा, जिसमें पलामू एवं गरवा जिले के 3-3 तथा लातेहार के 4 विद्यालय शामिल। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयनित विद्यालयों को CBSE की मान्यता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
तीनों जिलों के विद्यालय में आईसीटी लैब अधिस्थापित किया गया। माध्यमिक प्लस टू झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक स्तर बढ़ाने हेतु तो सोलर आधारित स्मार्ट क्लास अधिस्थापित किए जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण में शिक्षकों, अभिभावकों, सिविल सोसाइटी के भरपूर योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। झारखंड राज्य की विशिष्ट संस्कृति, प्राकृतिक जीवन शैली, लोक संस्कृति सदा से आकर्षित रही है। राज्य सरकार विभिन्न कला माध्यमों के संरक्षण संवर्धन हेतु प्रयासरत है। इसी प्रकार झारखंड राज्य में खेलों की विशिष्ट संस्कृति है। टोक्यो ओलंपिक में परचम लहराकर झारखंड की बेटियों एवं देश के खिलाड़ियों ने मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली झारखंड की बेटियों एवं टोक्यो ओलंपिक पद के विजेता भारतीय खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। पलामू के खिलाड़ियों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी खेल प्रतिभा को विकसित कर झारखंड और देश का मान बढ़ाएं। शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था ही विकास का उत्प्रेरक है। हमारे पुलिस कर्मी एवं सुरक्षा बल के जवान दुरूह एवं दुर्गम क्षेत्रों में दिन रात कार्यरत हैं। ऐसे तमाम पुलिस कर्मियों एवं सुरक्षा बल के जवानों के प्रति पलामू के लोगों की ओर से आज़ादी के जश्न की शुभकामनाएं देता हूं। नव युवकों से अपील है कि वे समाज की मुख्य धारा से विचलित ना हो। सरकार उनके लिए रोजगार के साथ साथ स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयासरत है। यहाँ के किसान भाई अन्य जगहों के किसानों से अपेक्षाकृत काफी मेहनती है। भूमि भी उर्वरा है, परंतु किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बन पाए। यदि हमारे किसान भाई रसदार फलों, संतरा, नींबू, मौसमी का उत्पादन करें तो आर्थिक दृष्टि से वे भी मजबूत होंगे। यहाँ के किसान भाइयों की तरक्की के लिए जरूरी है कि पलामू को रसदार फल के उत्पादन विपणन का हब बनाया जाए। यहाँ फूड प्रोसेसिंग, सुरक्षित पैकेजिंग एवं विक्रय की सुविधा एक साथ आसानी से उपलब्ध रहे। फलों की खेती को मनरेगा योजना से भी स्वीकृति मिल गई है। मनरेगा योजना से इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा। हम इस दिशा में प्रयासरत हैं। निकट भविष्य में पलामू को देश के मानचित्र पर रसदार फलों के हब के रूप में जाना जाए। अधिक से अधिक किसानों को इस संबंध में उत्प्रेरित करने हेतु कृषि विभाग के स्थानीय नुमाइंदों, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों तथा पंचायत राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को एक साथ हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करना होगा। खेती को बढ़ावा देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बड़े बड़े व्यवसायियों को भी आगे आना चाहिए। जिनका भूखंड है उनसे हमारी अपेक्षा है कि वे आगे आए, अपने फार्म में पौधा रोपण करें, किसानों को भी मदद करें और फलों की खेती को बढ़ावा दिया जा सके और इससे किसान भाइयों को अधिक मुनाफा मिले। पलामू प्रमंडल के लिए सुखद बात है कि यहाँ स्ट्रॉबेरी, अमरूद, पिपरमिंट, काला गेहूँ, काला धान, ड्रैगन फ्रूट, तुलसी, पामा रोजा एवं विलुप्त हो रहे मरुआ, गुंदली, सामा तथा फूलों की खेती की जा रही है। प्रशासनिक सहयोग से इनके उत्पादन एवं स्थानीय तौर पर प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए अब संरचनाएं उपलब्ध हो ताकि किसानों को उनकी मेहनत का प्रचुर लाभ मिले। इस प्रमंडल में किसी उत्पाद के विपणन को सुविधाजनक बनाने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया। पलामू प्रमंडल की जैव विविधता, पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए लुप्त हो रहे पौधों की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण हेतु बृहद रूप से पौधारोपण कार्यक्रम है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण हेतु फलदार पौधों का पौधारोपण करने का निर्देश दिया गया है। वन उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए कुंदरी लाहा बगान को पुनर्जीवित किया जा रहा है। पलाश के फूलों से प्राकृतिक गुलाल निर्माण को बढ़ावा दिया जाना है ताकि अधिक से अधिक लोग इससे रोजगार हासिल कर सकें। किसी प्रकार अन्य वन उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग का चयन तैयार करने पर बल दिया गया है। इस भौगोलिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है। मौसम की दगाबाजी से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में किसान भाइयों से अपील है कि वे धान की फसल को निचले खेतों में लगाएं, ऊपरी एवं मध्यम दर्जे के खेतों में धान की फसल नहीं लगाएं। अरहर, तिल, मूंग, मसूर, सरसों आदि दलहनी फसलों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। किसान भाई इन फसलों को लगाकर ज्यादा उपज कर पाएंगे और उन्हें मुनाफा भी आर्थिक अधिक मिलेगा। दलहन अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। खेती के लिए उर्वरक के एवज में निर्धारित सरकारी मूल्य से अधिक राशि लेने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उर्वरक व्यवसायियों को चाहिए कि किसानों को जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहें। पलामू प्रमंडल में सिंचाई विभाग के अंतर्गत 3 नई योजनाएं एवं 33 पुरानी योजनाओं कार्यरत हैं। बांकी बराज प्रोजेक्ट में भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन हेतु अंचल स्तर पर कार्य चल रहा। पिछले वर्ष में रबी फसलों की भी पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस वर्ष भी पर्याप्त वर्षा होने के लिए के कारण पानी पर्याप्त है, जिसमें रबी फसलों की सिंचाई भी के लिए भी जल उपलब्ध हो पाएगा। मलय परियोजना में नहर के लाइनिंग का काम चल रहा है। कन्हर बराज हेतु DPR स्वीकृत हो चुका है। फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रस्ताव भी दिया गया है। नॉर्थ कोयल परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। बटाने पुनर्वास योजना में भी राशि उपलब्ध कराने का कार्य अंतिम चरण में है। मंडल परियोजना में भी कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा। बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत किसानों के आय वृद्धि के उद्देश्य से लातेहार जिला में 520 एकड़, गरवा में 746 एकड़, पलामू में 723 एकड़ में आम बागवानी, फलदार वृक्ष, इमारती वृक्षों का पौधारोपण किया जा रहा। नर्सरी उद्योग के रूप में पलामू, गरवा, लातेहार में दीदी भागिया योजना में लाभान्वितों के द्वारा नर्सरी तैयार किया जा रहा है, ताकि स्वस्थ पौधे पौधारोपण के लिए उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार जोहार परियोजना के अंतर्गत भी प्रमंडल क्षेत्र के गांवों में उत्पादक समूह का गठन कर लाह उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन के माध्यम से आजीविका संवर्धन हेतु आर्थिक सहयोग एवं तकनीकी सहयोग कर रही है। जोहार परियोजना कृषि उत्पादों को बाजार से बृहद पैमाने पर जोड़ने के लिए उत्तरी कोयल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लातेहार में करीब 1.25 लाख, पलामू के करीब 3.5 लाख, गरवा जिले में 2.25 लाख परिवार के सदस्यों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के दर से 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह अनाज उपलब्ध कराया जाता है। वहां 90,000 अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न, नमक, चीनी एवं किरासन तेल उपलब्ध कराया जा रहा। PTG डाकिया योजना के तहत आच्छादित करीब 16,500 परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। ई उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीकरण का भी कार्य किया जा रहा, जिसमें सरकारी स्तर से निर्धारित दर पर धान की अधिप्राप्ति किया जाए। इसमें कई त्रुटियां भी परिलक्षित हुई हैं, जिसे भविष्य में सुधारने का निर्देश दिया गया है। पर्यटन के दृष्टि से झारखंड का श्रृंगार प्रकृति ने स्वयं किया है। प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित पलामू प्रमंडल में पर्यटन के विकास की असीम संभावना है। पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड में भीमचुल्ला, हैदर नगर में देवी धाम, मेदिनीनगर प्रखंड में चियाकी पार, तरहसी में छलहंडी मंदिर में पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में सतोरवा प्रखंड के मलय डैम, हुसैनाबाद प्रखंड के मुस्लि पहाड़ी ठाकुरवारी तथा बांकी प्रखंड के गौरीदी प्राचीन मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा। गरभा प्रखंड के धुरकी प्रखंड में सुख लदरी जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से गरभा जिले के बाबा गोंडरनाथ मंदिर में पर्यटक सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। लातेहार जिला में पर्यटन की विकसित किए जाने के उद्देश्य से 16 योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा। परिवहन के सुदृढ़ व्यवस्था के में से विकास को गति मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए अंतर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था सुगम बनाने की योजना पर काम हो रहा। राष्ट्रीय उच्च पथ 75
कुरू से बिंडमगंज को फोर लेन में चौरीकरण हेतु 5 भागों में बांटकर प्रारंभ किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय उच्च पथ 98 पर हरिहरगंज से सिलदाग के बीच भी परियोजना जो पलामू एवं बिहार के औरंगाबाद जिले को जोड़ती है, इस पर भी काम हो रहा है। सारी औपचारिकताओं को पूरा कर इस अगस्त माह से करीब 23 किलोमीटर की लंबाई गरवा रेहला बाईपास का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। साथ ही विशेष कैंप आयोजित कर रैयतों को मुआवजा का भी भुगतान किया जा रहा है। IRQP के साथ मेदिनी नगर फांकी सड़क निर्माण की भी स्वीकृति प्रस्तावित है। लातेहार के महुआडार गारू प्रखंड सड़क की स्थिति खराब है, जिसमें मरम्मति की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। कृषि सिंचाई के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 12 सब स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा। छतरपुर फांकी महुआडार चंदवा इत्यादि में ग्रिड निर्माण कार्य किया जा रहा है। गढ़वा जिले के भागोडी के में केवी ग्रिड चालू कर दिया गया है। इससे करीब 20 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। गढ़वा नगर उटारी ग्रिड चालू होने की स्थिति में है। लातेहार जिला के गारू प्रखंड के सोनवार में भी एक सब स्टेशन निर्माणाधीन है। वानगी के तौर पे मैंने इन योजनाओं की रूपरेखा आपके समक्ष रखा है। वस्तुतः सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। जरूरत है कि योग्य लाभुक तक योजनाओं का फायदा पहुंचे, ताकि योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति हो। इसके लिए हरेक स्तर पर विकासात्मक कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को हरेक स्तर पर समयबद्ध नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय की जा सके। मैं गांधी जी के उस तावीज का उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे मजलूम आदमी के चेहरे को याद करने को कहा है। हमें आज उसी अंतिम पायदान पर बैठे आदमी के चेहरे को ध्यान में रखकर विकास की तस्वीर गढ़नी होगी। आप तमाम प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, मीडिया कर्मियों एवं सरकारी सेवकों से आह्वान करता हूँ कि आप अपने स्तर से विकास के नए आयाम गढ़ें और पलामू प्रमंडल को बुलंदियों पर तक पहुँचाएं। अंत में एक बार पुनः आज़ादी की बलिवेदी पर शहीद हुए राष्ट्र नायकों एवं राष्ट्र निर्माताओं को संपूर्ण पलामू प्रमंडल की लोगों की ओर से सलाम करता हूँ। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों को अपने जीवन कर्तव्य में शामिल करें। एक बार पुनः आपको याद दिलाता हूँ, कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग में हम सब सक्रिय रूप से भागीदार बने। सामाजिक दूरी का पालन करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें एवं साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें।